हिमाचल के पहाड़ों की बात हमेशा से खास रही है। कृषि हिमाचल में प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ का कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। यहाँ कृषि 69% कामकाजी आबादी को सीधा रोजगार मुहैया कराती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के घरेलू उत्पाद का लगभग 15% कृषि क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। लगभग 80% क्षेत्र वर्षा सिंचित है और यहाँ का किसान इंद्र देवता पर निर्भर रहता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विश्वविद्यालय में लेकर जा रहे हैं जहाँ से राज्य के किसानों की दिशा और दशा को बदलने का काम हर रोज किया जा रहा है। पालमपुर के सुंदर पहाड़ों के बीचों बीच CSK हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां न सिर्फ किसानों के लिए बेहतर विकल्पों को वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जा रहा है, बल्कि यहां पारंपरिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को नई राह दिखाने का काम यहां की वाइस चांसलर डॉक्टर हरिंद्र कुमार चौधरी की छत्र छाया में किया जा रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं किसानों के मंदिर कहे जाने वाले कृषि विश्वविद्यालय में। ये कृषि विश्वविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है। कृषि के लिए, बागवानी के लिए, पशुपालन के लिए और दूसरी खेती के लिए जी। इस मंदिर की ताकत को वो समझें किसान, और अपने नज़दीक के, अपने जिला के जो उनके कृषि विज्ञान केंद्र है उनके साथ वो जुड़े रहें। मैंने इस प्रक्रिया में हिमाचल के जितने भी हमारे जिला हैं उनसे यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल एम्बेसडर बनाने शुरू किए। हर क्षेत्र से एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो जुझारू है, जिसकी बात को दुनिया मानती है, जिसने कोई नया काम किया है, जो आगे बढ़कर चलना चाहता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करना चाहता है। ऐसे मैंने लोगों को चुना। मेरा निशाना 100 तक है। अभी तक मैं 55 लोगों को चुन चुका हूँ और उनको सम्मानित भी यहाँ विश्वविद्यालय में कृषि मंत्री जी के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमने किया है। उन किसानों को आगे 10-10 किसान जो है अपने साथ जोड़ करके एक ऐसा हम मंजर तैयार करेंगे कि 1000 किसान जो है मान लीजिए हिमाचल के हमारे साथ जुड़ते हैं, तो एक बटन यहां से दबाने के बाद हमारी तकनीकें, हमारी शिक्षा उनके घर द्वार तक, आखिरी गांव तक पहुंचेगी। मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। प्रसार शिक्षा निदेशालय एवं इसके 8 कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने में एक कड़ी का काम करते हैं। इसके लिए प्रसार शिक्षा निदेशालय और इसके कृषि विज्ञान केंद्र प्रोसेसिंग प्लांट जो हमें ICR ने फंड किया 2013 में, जो हम अब स्टार्ट किया है। इनको लगाने का तरीका बताएगा कि किस तरह से फसलों की खेती बाड़ी आप लोगों ने करनी है, कौन सी बीमारियां उसमें लगती हैं, क्या आपने उसका निदान करना है, तो ये सारी तकनीकें इनको बताई गई। और साथ में इनके गांव में विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए गए, वहाँ भी इनको खेती बाड़ी के बारे में, बागवानी के बारे में, पशुपालन के बारे में बताया गया। तो आज की डेट में लगभग 5 साल इस स्कीम को इस गांव में चलते हुए हो गए हैं। हाँ जी, मैं डॉक्टर वी के सूद, विभागाध्यक्ष जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, चौधरी शरण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में आपका स्वागत करता हूँ इस डिपार्टमेंट में। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये विभाग है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग फसलों की नई नई किस्में विकसित करना है, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसमें इस विभाग ने लगभग 170 से ज़्यादा जो किस्में हैं विभिन्न फसलों की, वो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए विकसित की हुई हैं। और ये जो
किस्में हैं ये प्रदेश के अपने मैदानी क्षेत्रों से शुरू होकर ऊपरले जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ तक विकसित की गई हैं। इनमें चाहे हम गेहूं की बात करें, चाहे धान की बात करें, चाहे मक्की की बात करें, दलहनी फसलों की बात करें, तिलहनी फसलों की बात करें, चारे की फसलों की बात करें, अंडरयूटिलाइज्ड क्रॉप्स हैं और कुछ जो हमारी हाई वैल्यू और क्रॉप्स हैं, लो वॉल्यूम क्रॉप्स हैं जैसे काला जीरा और सैफरन, इन पर हम इस काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार उपाध्याय विभागाध्यक्ष हूँ उद्यान विभाग एवं कृषि वानिकी विभाग चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। हम इस विभाग में जो है वो मुख्यतः जो है वो पढ़ाई का काम बच्चों का करते हैं, लेकिन इसके अलावा अनुसंधान और जो प्रसार गतिविधियां हैं वो उनको भी देखते हैं, किसानों की समस्याओं को जो है वो उनका समाधान के लिए प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो है क्योंकि अभी के हाल ही के वर्षों में जो है फलदार पौधों की जो मांग है वो बहुत बड़ी है, तो हम एक क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है फलदार पौधों का और सभी चाहे टेम्परेट फ्रूट्स हैं सेब आड़ू प्लम खुमानी नाशपाती अनार कीवी फल पिकनट, इनके अलावा आम लीची अमरूद नींबू गलगल, ये सभी के पौधे जो हैं अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे बीमारी रहित पौधे जो हैं ना केवल हिमाचल प्रदेश के किसानों को बल्कि पड़ोसी राज्य के किसानों को और पड़ोसी राज्य में जो भी जो इंस्टीट्यूशन जो इसमें अनुसंधान में हैं उनका उनके लिए भी हम प्लांटिंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कपिला है और मैं बीज उत्पादन और प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में विभाग अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूँ। इस विभाग में हम पूरे प्रदेश के लिए जो बीज उत्पादन है उसकी जो इनिशियल स्टेजेस हैं न्यूक्लियस और ब्रीडर उसका उत्पादन करते हैं। ये बीज उत्पादन हमें केंद्रीय एजेंसी ICR की तरफ से भी इंडेंट के रूप में प्राप्त होता है व कुछ रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सीधी हमें दी जाती है और दोनों सीजन अगर खरीफ और रबी को मिलाकर देखें तो हमें लगभग 1000 क्विंटल के करीब बीज जो है विभिन्न फसलों का वो पैदा किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर दीपिका सूद है और मैं पादप रोग विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और मैंने हाल ही में शिटाके मशरूम के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है जिससे कि हम अपने हिमाचल प्रदेश में शिटाके मशरूम को फार्मर्स तक पहुँचाने के लिए बहुत काम कर सकते हैं। आज तक आपको पता है कि बहुत सारे मशरूम जो हैं फार्मर्स लगा रहे हैं जैसे बटन मशरूम ऑयस्टर मशरूम, जो कि बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम की खेती तो फार्मर्स आसानी से कर लेते हैं, लेकिन शिटाके नई मशरूम आई है और ये एक ऐसी मशरूम है जिसमें खाने के साथ साथ इसमें औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा हैं और ये एक ऐसी मशरूम है जिसका रेट 500 से 1000 रुपये किलो तक है। तो हमारे जो किसान भाई हैं या किसान बहनें हैं उनको इस मशरूम की कल्टीवेशन से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। मैं डॉक्टर किया, ये यूनिट 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था पर धीरे धीरे जब 2004 से 2005 से ज़्यादा हमने इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ की और ये प्लांट स्थापित किया गया। इस प्लांट के विशेषता ये है कि यहाँ पे किसान खुद आके अपने पशु का आहार बना सकता है, किस हिसाब से दूध के हिसाब से पशु कितना दूध देता है, वो किस स्टेज में है, उसकी एज क्या है और उसको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या है, जिसको हम बोलते हैं टेलर मेड फीड। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ही फीड बनेगी। यहाँ पे कम से कम 40 प्रकार की फीड बनती है। आप पशु का नाम लीजिए, पशु का डाटा दीजिए, कौन सी कितनी उम्र है उसकी, क्या प्रोडक्शन स्टेज है, तो हम उस हिसाब से एक इकोनॉमिकल फीड बना के देते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा हूँ, मैं प्रोफेसर वेजिटेबल साइंस हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में। हम यहाँ पे एक बहुत हमारा बड़ा यूनिट है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, यहाँ काम कर रहे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में और इस प्रोजेक्ट के अंडर जो हमारा NAHP यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है इसके अंडर हमें जो फंड्स मिले थे उससे हमने एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाया, सॉइल लेस कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स।
तो अगर आप अंदर देखें तो हमने जो वेजिटेबल क्रॉप्स जो कि मिट्टी में जिनको उगने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मिट्टी में बड़े मिट्टी जनित रोग हैं और यहाँ पे पानी थोड़ा कम रहता है सिंचाई के लिए, तो जहाँ पे पानी की कमी होती है और मिट्टी जनित रोग ज़्यादा होते हैं मिट्टी में, वहाँ पे हाइड्रोपोनिक सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, इसमें एक प्रोजेक्ट आया है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट NAHEP के अंडर, एक हमें दिस इज़ द सेंटर ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कास्ट का प्रोजेक्ट है। तो इसमें हमें एक फाइटोट्रॉन फैसिलिटी का एक पूरा एक यूनिट मिला है, जिसमें हम जो भी वैरायटीज़ जैसे हम कोई रिलीज़ करते हैं उसके लिए हमारे को 5-10 ईयर्स से भी ऊपर टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें हमने जनरेशन जैसे हम क्रॉसेस बनाते हैं, क्रॉस बना के उसका F1 ग्रो करते हैं, F1 के बाद उसका F2 ग्रो करते हैं, तो इट टेक्स एवरी टाइम इट टेक्स ए न्यू सीज़न, मतलब हर सीज़न में हमें उसको ग्रो करना पड़ता है। लेकिन ये फाइटोट्रॉन फैसिलिटीज़ में हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल है, लाइट कंट्रोल है, और एक साल में हम इसको पूरा उसी तरह का टेम्परेचर फैसिलिटी दे के जैसे प्लांट को बाहर नॉर्मल सीज़न में चाहिए होता है, उसी तरह की हम फैसिलिटीज़ को देते हैं प्लांट को, और वो वहाँ पे फ्लावर भी करता है और हमारी एक जनरेशन हम उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कभी हमने कोई नॉर्मली हम कई बार इसको ऑफ सीज़न नर्सरीज में हमें लगाना पड़ता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वीट है, तो वीट नॉर्मल सीज़न में जो उसको टेम्परेचर चाहिए वही टेम्परेचर हम इसको यहाँ पर वीट प्लांट को देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राकेश ठाकुर है, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी डेयरी फार्म में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ, और आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास लाइफ स्टॉक फार्म जो था ये 1975 में इंडो न्यूजीलैंड लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो उस वक्त हमारे पास केवल जर्सी एनिमल्स हम लोगों ने शुरू में रखे थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास जर्सी एनिमल्स भी हैं, हमारे पास HF एनिमल्स भी हैं, और आप देखेंगे कि हमारी जो सबसे बड़ी विशेषता है जो आपको अन्य फार्म पे देखने को नहीं मिलेगी, किसानों के पास देखने को नहीं मिलेगी, वो कि हमारे यहाँ पशु जो हैं वो हर समय खुले रह रहे हैं। डॉक्टर वरुण सांख्यान, मैं एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और हमारे यहाँ मुर्गी पालन के लिए एक प्रोजेक्ट जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोल्ट्री ब्रीडिंग के नाम से चला है, जिसके तहत कि हमारा उद्देश्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए एक देसी किस्म की अच्छे अंडे देने वाली वैरायटी का उत्पादन करना था। मेरा नाम हरी सिंह है, मैं पंचायत रेड का प्रधान हूँ और मैं छोटा सा जिम्मेदार भी हूँ। जब से यूनिवर्सिटी 2016 से यूनिवर्सिटी के साथ हमारी अटैचमेंट हुई और इन्होंने जो हमें सहयोग दिया उसके माध्यम से जो जिम्मेदार हमारे बेचारे गरीब थे, नहीं कर सकते कुछ, उन लोगों के लिए एक साधन बन गया और लोग मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ मैं बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर देसराज जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं, मुझे जिस टाइम भी ज़रूरत पड़ी और मैंने इनसे जब कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने हर साइड से हमारी मदद की है, और मेरा ऐसा कोई जिम्मेदार नहीं है जो बोल सके कि हमारी मदद नहीं हुई है। उसके साथ देखिए मक्की का बीज बीजा हुआ है, अदरक लगाया हुआ, उसके ऊपर चीड़ के पत्ते डाले हुए हैं, साथ में फ्रांस बीन है, हरी मिर्च लगाई हुई है, मूलियों की भी तैयारी कर रहे हैं जी। मतलब जिस जिस चीज़ से हमें ज़रूरत पड़ती है यूनिवर्सिटी जो पालमपुर है हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है। उसके साथ पीछे एक टीम आई थी, मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि महोदय ऐसा कि कुछ लोग बच गए हैं जिनको बेचारों को सहायता नहीं मिली है, और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो 5 साल और बढ़ाया जाए जी। तो इन्होंने मेरी वो प्रार्थना मंजूर की और हमें 5 साल का मौका और दिया। मैं दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि ऐसे अधिकारी हमें मिले हैं। अगर रात को 12 बजे मैं टेलीफोन करता हूँ तो ये लाइन पर मिलते हैं जी। और ये जो चाचा श्री रतनलाल जी हैं जी। ये खेत उनका है जी। और ये बहुत मेहनत करें, समस्या ये आ रही है कि पानी की